हेलो नमस्कार, राम राम दोस्तों। क्या हाल है आप सभी के? मैं एकदम बढ़िया हूँ, उम्मीद है आप सब भी बढ़िया होंगे। यार आजकल घर में ना ऐसे हालात में रहना ना बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब एक लेवल होता है ना जब वो क्रॉस हो जाता है, उसके बाद बड़ी दिक्कत आती है, वही आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन चलो थोड़े दिन तो सहना ही पड़ेगा अभी ये सब। तो मैं तो आजकल अपनी वैनिटी वैन में ही रख रहा हूँ सब कुछ। ये देखो मेरी यूनिफॉर्म यहाँ पे है, मेरा टॉवल यहाँ पे है, बैग, मेरे चार्जर, लैपटॉप सब यहीं पे है। अब कंप्लीट तो हो गया वैसे ये सब, और इस तरफ तो कल थोड़ा सा प्लास्टर भी कर दिया है घर पे वैसे। लेकिन समस्या अब सिर्फ किचन की है। ये दिखाओ मैं आप लोगों को, ये पुरानी किचन थी हमारी, ये निकाल दी हमने, ये छत, यहाँ पे बनेंगी हमारी पौड़ियाँ। एक ही बिजली का सिस्टम है, वो भी गिर गया। तो मैं आपको पूरा समझाता हूँ कंसेप्ट। अब ये देखो जैसे हम लोग एंटर हुए, ये हमारा ड्राइंग रूम आ जाएगा, और बिल्कुल उसी के साथ में ये है हमारी गैलरी। ये एक रूम, दो रूम, अटैच्ड वॉशरूम आ गया मेरा, और ये स्पेस थोड़ा सा बच जाएगा। और बिल्कुल सीधा यहाँ से ये गेट भी निकल जाएगा आज या कल तक शायद, तो ये निकल जाएगा और ये सीधा हम निकले बाहर। ये आ गई एंट्रेंस किचन को, किचन का एक दरवाज़ा आ जाएगा यहाँ पे। बस अब यही है किचन का काम जो बाकी बचता है, और लेबर ने बड़ा परेशान करके रखा यार। अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, पर अब दिक्कत यहाँ पे आज इतनी है ना। देखो नीचे ये बेस तो नींव तो बना दी है, पिल्लर भी खड़े कर दिए, लेकिन दिक्कत ये है कि पहले ये लेंटर टूटेगा इतना इतना, उसके बाद यहाँ पे चिनाई शुरू हो सकती है। तो अब थोड़ी सी दिक्कत, लेकिन वो होता है ना कि जब काम थोड़ा सा लास्ट में बिल्कुल बचता है तो दिक्कत आ जाती है, बहुत एक्साइटेड सा होता है कि बस बस अब जल्दी खत्म हो जाए। बस वही हाल है हम सबका। आज तो पहले दिन बिल्कुल हल्के हल्के हाथों दे रहा है इसको बिना प्रेशर के पानी, लेकिन इतने हल्के हाथों देकर भी कितना ज्यादा कीचड़ कीचड़ हो गया यार। ये सब जो टूट के गिरा है ना नीचे, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कुछ बनाने में, कुछ करने में कितने सालों की मेहनत होती है, कितना कितने एफर्ट्स होते हैं, और तोड़ने में सिर्फ दो 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 सेकंड बहुत है। ये सामने आपको घर दिख रहा है, ये मेरे भाई बना रहे हैं घर इसको, तो ये देखो कितनी चुनाई कर दी है इसकी। इसको बनते हुए सिर्फ अभी 3 दिन हुए, सिर्फ 3, आज चौथा दिन है। ये फर्क होता है ठेके में और दिहाड़ी में। अभी मेरे को लेबर की वजह से सुबह सुबह निकलना पड़ रहा है स्पेशल उनको ले जाने के लिए, क्योंकि कल आए वो 1 बजे। तो अब अगर वो तोड़ते रहेंगे ठीक है, तो नेचुरली सामान गिरेगा ऊपर से, तो किचन की चुनाई शुरू नहीं हो सकती तब तक। और अगर मशीन चलती रहेगी तब तक प्लास्टर भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो नीचे गिर जा रहा है, तो हम तो फालतू के पैसे दे रहे हैं। यार एक तो लावारिस जानवरों की वजह से जो हमारे गांव में चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी है ना, इससे भी बड़ा दुखी होता हूँ मैं, बड़ा गुस्सा आता है जब जरूरी काम हो रहा है। गुस्से को शांत कर लेता हूँ तब तक, गुस्से को शांत सिर्फ यही सब चीजें कर सकती हैं। हे दुख बंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। हाँ जी गुड मॉर्निंग, अकेले हो? कहाँ है उधर? इधर से खड़ से जाऊंगा मैं, कहाँ सड़क से जाऊंगा। चलो यार आपने बड़ा परेशान करके रखा है हमें। मैं क्या परेशान? आपने किया और किसने किया? मैंने किया। कल क्यों लेट आए आप? कल मुझे चला गया। हाँ तो बस वही है ना, फिर कल के चक्कर में सारा हो गया, ऐसी तैसी फिर गई। बांधू? बांध तो दी अपनी तरफ से। चलो खींचो जरा। शाबाश बहुत बढ़िया। कितना भार है इसका मशीन का? 20 किलो। ज्यादा है बस। लेके अब बजरंगबली का नाम कर दो, आए 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 कर दो काम तुम्हारा। कालो हाँ, क्यों तोड़ रहे हैं मकान है? बता दे इनको, ऑर्डिनेंस को बता दे। अच्छा तू भी आ गया है। इसको देख के कि भाई इसके साथ प्यार कर रहा है, ये भी आ गया है, पंगा हो जाएगा। अब देखना कैसे आएगी। हाँ शाबाश, ये देखो देखो कैसे। शी इज जेलस ब्रो, शी इज जेलस। आराम से आराम, ये काटना पड़ेगा फिर तभी गिरेगा नीचे। गुड, नहा लेता हूँ यार, इनके चक्कर में रोज लेट हो रहा हूँ मैं। आ जाओ खाना खा लो पहले जल्दी। यार मम्मी ने पता नहीं कहाँ रख दिए कपड़े मेरे, यूनिफॉर्म यहाँ भी नहीं है वहाँ भी नहीं है। आगे लेट हो जाता हूँ, कपड़े भी नहीं मिलेंगे। मम्मी है वो तो कमीज, जल्दी आओ यारो, जल्दी आओ, जल्दी लेट हो रहा हूँ मैं आगे। अरे नहीं मैं तो दिख ही नहीं सारे, आज कमीज ढूंढते रह गए हम दोनों, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ। फाइनली शर्ट तो मिल गई मेरी, पैंट तो मैंने खुद ही सिक्योर रखी है तभी यहाँ पे। 10:30 हो गए आज यहीं पे मेरे को, आज लगता है गालियाँ पड़ जाएंगी। भागो रे अभिषेक ठाकुर, चले गए भाई आज तो सारे कोट। आज ठाकुर तो गियो, सबसे लेट गए थे सबसे जल्दी आ गए। काम करते हैं हम ठीक है। हाँ भाई थक गए काम कर करके, इट्स लंच टाइम। और आज हम खाएंगे मेरे हाथों के बने हुए मशरूम। क्या हबीबी, हम खाएगा मशरूम। खाने के बाद लोग मीठा खाते हैं, लेकिन मैं खाता हूँ मूंगफली, अति उत्तम। थर भी गए, दिव्या भी गई, मुंशी भी गए, और मैं और विकास भाई यहाँ पे 6:30 बजे। विकास भाई को मैं खज्जल करता हुआ क्योंकि आज मैंने बड़ी बड़ी ज्यादा मिस्टेक कर दी और मैं पागल हो चुका हूँ बिल्कुल। 15-20 मिनट हम लोग काम करेंगे और निकल जाएंगे घर को। बहुत ज्यादा लेट हो गए हूँ मैं आज, और अपनी वजह से हुआ वैसे। मैं ना थोड़ा जल्दबाजी कर रहा था बहुत। इतने पेपर मैंने आज खराब करे हैं,
जल्दबाजी के चक्कर में यही होता है, कभी ना करो, तभी बोलते हैं जल्दी का काम शैतान का। फाइनली एट होम, थक गया हमारे तो बहुत। मंदिर देख, ओ मंदिर दिखाता हूँ आप लोगों को आज। ये माता रानी और ये भी माता रानी। जय हो माता रानी, पैसा ही पैसा दे दो लक्ष्मी माता। राज बने हैं राजमा। हाँ हाँ, मजा आ गया भाई राजमा खा के। तुए, 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 तुए। खाना ही नहीं खाती हैं भाई, इतने अच्छे अच्छे राजमा का सूप पिलाया जा रहा है इनको और फिर भी इनके नखरे ही हैं। पता नहीं खाती नहीं है, जब से मैंने मीट छोड़ा है तो इनको डालना भी बंद कर दिया है। 2-3 साल हो गए, उसके बाद से खाना ही नहीं खाती हैं अच्छे से। ले खा ले शाबाश, खा आ जा शाबाश, ले आ जा शाबाश, आई आई। मैं तो अब करूंगा भाई थोड़ी देर रेस्ट, यहीं पे लेटता हूँ आजकल। हाय थक गया भाई, ये आजकल मेरी वैनिटी वैन ना ये मेरा साथ देती है, बाकी रूम तो कई जगह है नहीं सोने की बैठने की। बस अभी खाना खाया है, मम्मी बर्तन साफ कर रहे हैं, बस अभी फिर हम सोने चले जाएंगे लाला जी के घर। पकड़ लीजिए। तेरी वो छोरू। ओ लड़के हेलो, चल जंप दिखा दे। ओ तेरी वो शाबाश। वाह क्या भी मान गए तेरे को। तू क्या कर रहा है इधर मेरे रूम में, जा सोने दे मेरे को। राम 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 दोस्तों, गुड नाइट दोस्तों, लाइट गुड नाइट बाय बाय।